जहां दुनिया भर के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी संगठनों के द्वारा हिंसा और अराजकता फैलाकर अपने कट्टरपंथी मत को सही और दुनिया के बाकी मतों को गलत बताकर मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहाद के नाम पर दुनिया भर में आतंकवाद और हिंसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं ऐसे भययुक्त समाज में कुछ ऐसे मुस्लिम युवा भी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस्लाम मत के आने से पहले भी दुनिया में सनातन धर्म का अस्तित्व था, इसलिए हमें सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। इस बात को सही मानते हुए सरधना के सरूरपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव इकड़ी के रहने वाले जावेद खान ने कट्टरपंथियों की बात को दरकिनार करते हुए भगवान शिव के परम प्रिय सावन माह में कांवड़ यात्रा करके समाज में एकता और सौहार्द का परिचय दिया है। इस कांवड़ यात्रा में जावेद खान 22 जुलाई को पवित्र देवभूमि हरिद्वार पहुँचे और माँ गंगा का 51 लीटर पवित्र जल लेकर पैदल चलकर अपने गाँव के प्राचीन शिव मंदिर में 23 जुलाई को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया। इस गांव में कांवड़ यात्रा करने वाले जावेद खान पहले मुस्लिम युवक हैं। जावेद की कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद क्षेत्रवासियों ने जावेद को 3100 रुपए की धनराशि देकर उसका सम्मान किया। जावेद खान जैसे जागरूक मुस्लिम युवक जिनको इस बात का ज्ञान है कि सनातन धर्म में सबका हित निहित है, अगर ऐसे ही मुस्लिम युवक समाज में निर्भय होकर आगे आएंगे तो उन कट्टरपंथी विचारों का अस्तित्व समाप्त होने में देर नहीं लगेगी जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज को भी जावेद जैसे युवाओं का समर्थन करना चाहिए जो समाज में एकता और अखंडता का भाव लेकर चल रहे हैं।